अरीबा, इस शो का नाम क्या है? आखिरी खिलाड़ी कौन? नहीं, इस शो का नाम है अब बात होगी, क्योंकि हम यहाँ बातें ही तो करते हैं। अच्छा, इस शो की होस्ट का क्या नाम है? Are you sure? Yes, I'm मुझे sure. लगता है मेरा नाम फैसल अजीज खान है। नहीं, दरअसल आप इतनी क्यूट है ना, तो आपका फेस मेरे माइंड में था, तो वही नाम निकल गया, मैं क्या करूँ। तमाम देखने वालों को मैं बता दूँ कि ये जो कुछ भी कह रही हैं इससे बच नहीं सकती, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करती कि इस गेम में कौन रहेगा और कौन जाएगा बाहर। डिसाइड तो आप लोग करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये राउंड। काफ़ी जल्दी जल्दी से गुजरा। साउद अपना सर छुपा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं ताकि नज़रों में ना आए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट गाइस, राउंड टू मुकम्मल हो गया, दैट मीन्स हम राउंड थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन थ्री की तरफ बढ़ने से पहले मुझे वो एक नाम चाहिए जो राउंड थ्री में आपके साथ आगे नहीं जाएगा। वो राउंड थ्री में जो शख्स, जो कंटेस्टेंट आगे नहीं जाएगा, वो कौन है? आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, नाम टाइप करें, मुझ तक और मेरी टीम तक वो नाम पहुंचाएं। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। अरीवा आसान सवाल के आंसर नहीं दे सकी। लारेब और जहांगीर पास और गलत आंसर देकर चेन तोड़ते रहे। बैंक की आवाज भी काफी दफा आई। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो एलिमिनेट होगा इस राउंड से। डन? यस डन। कौन? मैम, मैंने एक्चुअली जहांगीर को वोट करा है। आप अपने नेबर को वोट आउट कर रहे हैं? क्यों भाई? वो दोनों राउंड्स पे कंफ्यूज थे। क्योंकि वो कंफ्यूज थे जी। साउद? मैम, मैंने जहांगीर को वोट किया है। क्यों? थोड़ा इररिस्पॉन्सिव से लग रहे हैं, मतलब लाइक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस? बेहोश लग रहे हैं आपको? मतलब आपको लग रहा है कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, मतलब फिजिकली है, मेंटली यहाँ मौजूद नहीं, ये आपको लग रहा है? ठीक है। अरीबा? मैंने भी जहांगीर को ही वोट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा वीक प्ले कर रहे हैं। आपको लगता है? यूसुफ? टीम अप तो नहीं कर रहे आप लोग? सब एक साथ राइट साइड वाले। इट्स नॉट अबाउट टीम, बट जो सही नहीं खेल रहा तो हम चाहते हैं कि वो इस शो से बाहर चला जाए ताकि हमारे लिए मैदान साफ हो जाए। हुनैन इज राइट। सो कंफ्यूज्ड। यू थिंक ही इज कंफ्यूज्ड? लारेब? जहांगीर को वोट करा है क्योंकि ये टोटली कंफ्यूज ही हैं। कामरान? जहांगीर। इतना परेशान क्यों हो रहे जहांगीर का नाम लेकर? आपके फ्रेंड है वो? फ्रेंड होते भी तो जाहिर है जो सही नहीं प्ले कर रहा है उसको उसका नाम लेना पड़ेगा। आमिर? जहांगीर को किया। काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं ये, और ना शुरू से, मतलब यहाँ से हमारी चेन सही आती गई और वहाँ पे आके टूट गई चेन, और ये कि इस वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ, टाइम की बचत भी हमारे पास नहीं हो रही थी। ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। तो इस तरह तो आपको भी वोट आउट करना चाहिए था हमें पहले राउंड में, क्योंकि जब आपने हमारी चेन तोड़ी थी बिना, आपको जब जवाब नहीं आ रहा था तो आपको पास नहीं करना चाहिए था, आपको बैन कर देना चाहिए था। इसको आप गलत जवाब भी देते तो नहीं। मेरे को तो लग रहा है आप ग्रुप मेंबर्स में, मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है तभी, इस वजह से मेरे को लग रहा है। नहीं, जो बहस है हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त जहांगीर जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको उस मुश्किल से तो निकालते। जहांगीर, पहले राउंड में आपका नाम आया था लेकिन आपसे ज्यादा तैयबा का आया था, इसलिए तैयबा हो गई एलिमिनेट। लेकिन इस राउंड में, यानी पहले वाले राउंड में भी वोट्स थे आपके खिलाफ, और इस राउंड में भी सबकी नजरों में आप थे। मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, यानी आप वो कंटेस्टेंट हैं जो राउंड थ्री की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ये है आपका आखिरी राउंड। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर है और मैं आखिरी खिलाड़ी कौन इसमें सेलेक्ट हुआ था काफ़ी लोगों में। तो राउंड वन में मैंने क्वालिफाई किया था और राउंड टू में मैं एलिमिनेट हो गया, और इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि मैं अच्छी तैयारी मैंने नहीं की थी और सब ने मुझे जो है ना वॉकआउट कर दिया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।